प्रशासन 4700 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देके 100% गलत कर रहे हैं, ना इंसाफी कर रहे हैं, या बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है, कोई भय नहीं है, हम एक्सेप्ट कर रहे थे कम से कम ये 20,000 रिजल्ट देंगे जो इन्होंने नहीं दिया है, छात्रों के साथ गलत किया है और छात्र इसके लिए इनको कभी माफ नहीं हो गया। अतुल प्रसाद सर, आपने ऐसा गलती क्यों किया ये भी आपको ट्वीट करके बता देना चाहिए था कि 4700 रिजल्ट देने के पीछे क्या मजबूरी है। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, आप सब भी जान रहे हैं कि कल शिक्षक भर्ती परीक्षा है, 2.0 है कल। जी हाँ, सारे लोग तैयार हैं और कुछ लोग नाराज भी हैं क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर काफी बवाल हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए दरोगा गुरु गुरु रहमान मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं, सबसे पहला सवाल तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लोग हंगामे किए, लोग बोले कि क्यों बस 4700, क्यों तीसरी बहाली की बात हो रही है, क्या हो रहा है ये सब? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूंगा कि अतुल प्रसाद सर की इज्जत हम लोग करते थे, करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अतुल प्रसाद सर 4700 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देके 100% गलत कर रहे हैं, ना इंसाफी कर रहे हैं, या बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है, कोई भय नहीं है। ये 4700 रिजल्ट क्या मतलब है भाई? आप बोले थे कि पहले बार में जो सीट बचेगा दूसरे बार में देंगे, दूसरे बार में जो बचेगा तीसरा बार में देंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री में 4700 रिजल्ट देके ये क्या कर रहे हैं? आप कितना का एक्सेप्ट कर रहे थे कि हम एक्सेप्ट कर रहे थे कम से कम 20,000 रिजल्ट देंगे जो इन्होंने नहीं दिया है, छात्रों के साथ गलत किया है और छात्र इसके लिए इनको कभी माफ नहीं। वही हो गया कि 20,000 सोच रहे थे और आ गया 5,000 भी नहीं, 5,000 भी नहीं, 47 रिजल्ट क्या महत्व है, कोई मतलब नहीं है। इनको इंतजार कर रहे थे वो बेचारे हो गए, उनके दिल से कभी भी ये बात नहीं निकलेगी अतुल प्रसाद सर ने अच्छा किया है। अतुल प्रसाद सर, आपने ऐसा गलती क्यों किया ये भी आपको ट्वीट करके बता देना चाहिए था कि 4700 रिजल्ट देने के पीछे क्या मजबूरी है। अगर मजबूरी कोई मजबूरी बताना, मतलब चेयरमैन मजबूरी बताएंगे तो अगर 4700 रिजल्ट दे रहे हैं तो मजबूरी ही ना बताना पड़ेगा। जब एक्सपेक्टेशन था कम से कम 20,000 से ऊपर का रिजल्ट, तो आप 4700 रिजल्ट दे रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे लड़कों का दिल टूटा है, हम लोग का भी दिल टूटा है, हम लोग का भी दिल टूटा है और इसके लिए हम लोग अतुल प्रसाद सर का प्रसन्नता नहीं। तो शिक्षक बनने का सपना छोड़ दें, अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी नहीं, क्यों कल 2.0 आपको हो रहा है तो 2.0 में तो वो फॉर्म ही नहीं भरे, वो सोचे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उनका हो जाएगा तो फॉर्म नहीं भरे, तैयारी किसी दूसरे चीज का करें, तीसरी बार में जो होगा तो भरेंगे, बीएसएससी निकला है सब तैयारी करें, लेकिन अतुल प्रसाद सर की गलती कारण इन लोग का परीक्षा छोड़ रहा है। लोग कहा जाता है कि अगर दौड़ में भाग लें और सामने वाला बलवान दिखे तो डर लगने लगता है कि दौड़ वही जीतेगा। ये भी हाल आप समझ गए होंगे कि शिक्षक अभ्यर्थियों का हो रहा होगा क्योंकि सामने नियोजित शिक्षक हैं जो सालों से पढ़ा रहे हैं। देखिए, नियोजित शिक्षक के बारे में मैंने बार बार कहा था, आवाज उठाई थी, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देंगे, उनसे अलग से परीक्षा लेंगे। कल वो भी बैठे परीक्षा, लेकिन कल वो भी परीक्षा में बैठ रहे, ये भी विडंबना है कि शिक्षक को फिर से शिक्षक की परीक्षा देनी पड़ रही है, यानी 15 साल से क्या पढ़ा रहे थे उसको कोई लेना देना नहीं, शिक्षक नहीं थे ऐसे पढ़ा रहे, हाँ ऐसे पढ़ा रहे थे, इनके हिसाब से यही हुआ। उसके बाद फिर भी बच्चों को मैं कहूंगा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कल बैठने वाले उनको कह रहे हैं, नहीं कल जो नए बच्चे बैठने वाले उनको कह रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, आपने बहुत पढ़ा है, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा। लेकिन माननीय अतुल प्रसाद सर से थोड़ी सी नाराजगी इसलिए है कि 4700 रिजल्ट देके अगर सप्लीमेंट्री दे रहे हैं तो किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं है, उचित नहीं है। कुछ उपाय दे दीजिए, जो लोग बैठने वाले शिक्षक अभ्यर्थी जो बैठने वाले उनको हमेशा आप कुछ ना कुछ नुस्खा बताते हैं कि ये करिए वो करिए, वो क्या करें, मतलब कि पेपर आएगा तो डर जाए? नहीं नहीं, पेपर है तो डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरे, एकदम सोच के बनाए, निगेटिव भी नहीं है, बिल्कुल निगेटिव भी नहीं, सोच के बनाए, सारा का सारा क्वेश्चन को आप टच करें, ओएमआर सीट जो है वो बहुत बढ़िया से भरे, कहेंगे कब छाट दिया जाएगा आपको उस आधार पर कोई गारंटी नहीं, कुछ भी हो सकता है, शिक्षक भर्ती परीक्षा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ओएमआर सीट को बहुत बढ़िया से भरे, हर परीक्षा का आंसर दे, सोच के आंसर दे, और याद रखिए कि कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे, और आप लोग शिक्षक वालों के साथ यही बात पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है क्योंकि चारों तरफ आपके अंधकार है, उस अंधकार को चीर के प्रकाश लाना है, हम प्रकाश लाने वाले हैं। प्रदर्शन पे प्रदर्शन हुआ, आप भी चलाए, लोग भी चलाए, सब लोग चलाए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए परीक्षा से पहले, टीप 2.0 से पहले, लेकिन अतुल प्रसाद नहीं माने, के पाठक नहीं माने, कोई विभाग नहीं माना। देखिए, कोई विभाग की बात स्पष्ट कह दूं कि मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री का इसमें कोई गलती नहीं है, ये कोई गलती आप कह रहे हैं। सारे आयोग के अध्यक्ष अपने आप को डिक्टेटरशिप समझ रहे हैं कि हम हैं तो हम सबसे बड़ा, हम हैं तो आप चिल्लाते रहे, हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, जो तुम कर लो। अरे कहाँ परीक्षा के बाद क्वेश्चन कहाँ देता है लोग दरोगा वाला में, आपको बच्चों का खुद का कॉपी कहाँ देता है? तो इसका मतलब कि ये लोग चाहते कि हम जो करेंगे मैं ही राज हूं, कि परिपाटी अध्यक्ष लोग
अपना रहे हैं जिससे छात्रों को फिर दिखाया जाएगा कि कैमरा के निगरानी में सब लोग हैं, सब लोग वाहवाही करेंगे लेकिन कोई बात नहीं करेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। परीक्षा ले लेंगे अतुल प्रसाद सर, बहुत ईमानदारी से लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट 4700 देना बिल्कुल ही गलत है। एकदम गलत है, 100% गलत है। तो दरोगा के बहाली में तो आप लगातार दौड़ते हैं, कुछ होता तो आप भी आग बबूला हो जाते हैं, तो क्या कल गुरुओं के गुरु बन पाएंगे आप? 100% गुरु बन मानेंगे। थोड़ी सी भी गलती हुई तो हम कबाड़ देंगे जब कल बिल्कुल छात्र में हमारी सेंटर पे भी थोड़ा बहुत सेंटर में निश्चित हमारे मोहल्ला में सेंटर वहां घूमेंगे, दो चार सेंटर हम घूमेंगे, हम देखेंगे क्या परिस्थिति है, क्वेश्चंस का फिर डिस्कशन कराएंगे, लेकिन बच्चों से गड़बड़ तो नहीं होने देंगे। गड़बड़ हमको लग रहा नहीं होने देंगे, लेकिन गड़बड़ हुआ तो हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0